नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाजार के पंडित में। तो दोस्तों, बात करेंगे कल के बाजार के बारे में और कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो जानना भी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बात को शुरू करेंगे कि बैक टू बैक आपको इंट्राडे स्टॉक्स देखने को मिल रहे हैं। आज भी देखिएगा, बहुत बढ़िया मोमेंटम देखने को मिला। दोनों ही अगर इंट्राडे स्टॉक देखेंगे तो आपको लेवल भी अचीव होते हुए देखने को मिले। आज देखिएगा, आपको प्राइस एक्शन स्टॉक नहीं दिया गया, बट कल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बैक टू बैक, टाइम टू टाइम आपको सब कुछ यहां पर देखने को मिलता है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक देरी नहीं करी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है। बात को शुरू करेंगे, आज निफ्टी 50 में आपको ऑल टाइम हाई देखने को मिला और काफी बढ़िया लेवल देखने को मिले। जैसे ही एक आपको रेजिस्टेंस बताया गया था 17970 का, देखिएगा अगर आप 12 बजे 11 बजे तक देखेंगे तो एक स्ट्रगल फेस कर रहा था, नॉर्मल बिहेव कर रहा था, लेकिन यहां पर ऐसा क्या हुआ कि यहां पे मोमेंटम आपको तेज होते हुए देखने को मिला और 18000 का लेवल आते हुए देखने को मिला। तो इसका देखिएगा वन ऑफ द रीजन है कि आईटी सेक्टर ने तो सपोर्ट नहीं किया, लेकिन निफ्टी बैंक ने पूरा सपोर्ट किया विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ एचडीएफसी बैंक रिजल्ट। यानी कि सबको पता है एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट आने वाले हैं और अब इस हफ्ते से ही देखिएगा बैंकों के रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे और ऐसी एक्सपेक्टेशन है मार्केट को कि यहां पे जो बैंकों के रिजल्ट हैं वो अच्छे आएंगे। आपको बताया गया था कि 38000 का अगर लेवल तोड़ दे निफ्टी बैंक तो आपको पता है कि सारे सेंटिमेंट आपको पॉजिटिव कर देने। तो देखिएगा जैसे ही 38000 का लेवल टूटा था उसके बाद देखिएगा एक सिनेरियो बना और एक बढ़िया हाई देखने को मिला आपको। यानी कि आप देखेंगे तो 38500 के आसपास का आपको हाई देखने को मिला और इसी ने मार्केट को एक ड्राइव दिया और सबसे बढ़िया मार्केट ने एक सर्वाइवल भी इसी के बेसिस पे देखिएगा लाया। अब कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि कहां पे आपको फोकस करना है। तो सबसे पहला मोमेंटम आपको देखना है निफ्टी विक्स को। आज भी देखिएगा 3% की तेजी और उसी के हिसाब से मार्केट बिहेव कर रहा था। अगर आप देखेंगे तो आपको बताया गया 2-3% का मूव, यानी कि मार्केट एक रेंज में रहेगा, उसी एक रेंज में निफ्टी 50 आपको देखने को मिला और जैसे ही ऊपर एक ऑल टाइम हाई बनाता है तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है विद द हाई। यानी कि हाई से अगर आप देखेंगे तो 100 पॉइंट की आपको प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है। तो निफ्टी विक्स को देखते रहना है। अब कल के सिनेरियो में निफ्टी विक्स में थोड़ा सा देखिएगा वोलेटिलिटी बढ़ सकती है। वोलेटिलिटी यानी कि फ्लक्चुएशन। अब क्यों बढ़ सकता है, इसका कारण है आज यूएस बॉन्ड यील्ड का देखिएगा डेटा। आज मार्केट बंद थी तो कल बॉन्ड मार्केट खुलेगी, उसका रिएक्शन देखना होगा, उसका रिफ्लेक्शन देखना होगा और भी देखिएगा भी कई सारे सेंटिमेंट कॉन्टिन्यू है जिसको आपको देखना है। यूएस इन्फ्लेशन का डेटा भी है, उसको भी चेकआउट करना है। बहुत सारी चीजें हैं जिसके बेसिस पे फेड का एक रिएक्शन आएगा और फेड के मिनट्स भी हैं। तो ग्लोबल सेंटीमेंट में आज रात तक बहुत सारे आपको पॉइंट ऑफ व्यू पे फोकस करना है। पहले मैं बता देता हूँ, फेड मिनट देखिएगा यहाँ पे हैं, फेड के मिनट हैं, उसके बाद इन्फ्लेशन का डेटा है, मैन्युफैक्चरिंग का डेटा है, ये सब चीज़ें कल रिफ्लेक्ट होंगी और मार्केट भी इसके हिसाब से बिहेव करेगा। तो निफ्टी विक्स को देखिएगा, अगर देखिएगा 4% से ज़्यादा का मूवमेंट आता है, यानी कि 4% से ज़्यादा का मोमेंटम अगर आपको देखने को मिलता है तो निफ्टी विक्स यानी कि ये बताएगा, ये इंडिकेशन देगा कि जिस भी रेंज में मार्केट चल रही है, अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में, उसकी रेंज ब्रेकआउट हो सकती है या फिर ब्रेकडाउन हो सकती है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो निफ्टी विक्स को वॉच करना, अपने पर्टिकुलर डेस्कटॉप पे लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इंडिकेशन अभी क्या है, हमने कल आपको बताया था, जैसे ही देखिएगा 94.34 के आसपास अगर डॉलर इंडेक्स जाता हुआ देखने को मिलता है तो यहाँ पे भी आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि आपको पता है डॉलर इंडेक्स सीधा सीधा क्लियर विजन दे रहा है, क्लियर इंडिकेशन दे रहा है क्या कि आपका इन्फ्लेशन कंसर्न अभी टला नहीं है। और जिस तरीके से इंडिया में या फिर अगर आप बात करेंगे चाइना में, जो इतनी डेवलपिंग इकोनॉमी है, इतने मास पॉपुलेशन रखती हैं, वहाँ पे कई सारे देखिएगा क्रंचेस आ रहे हैं, तो उससे आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन बढ़ भी सकते हैं।
तो आप यहाँ पे देखिएगा यूएस डॉलर इंडेक्स पे आपका कॉन्टिन्यू वॉच रहना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है डॉलर इंडेक्स के साथ साथ आपको वॉच करना है आपको यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, क्योंकि जैसे जैसे ये ऊपर जाती है आपको सेंटिमेंट चाहे जो भी हो आपको लॉजिकल एथिकल व्यू देखना है कि मार्केट बाजार क्या इंडिकेशन दे रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप देखिएगा इस पर्टिकुलर मार्केट में आपको ये तो पता है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना है। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कई सारे सेक्टर बता दिए गए हैं, लाइक आईटी सेक्टर में भी बहुत बढ़िया स्पेस बन रहा है क्योंकि सारे स्टॉक फंडामेंटल हैं। इसके अलावा मेटल सेक्टर में भी काफी स्पेस बन रहा है क्योंकि डिमांड बहुत सारी है। तो बहुत सारी चीजें आपको सिनेरियो बेसिस पे बताई जा रही हैं। आपको करना है फंडामेंटल स्टॉक्स पे फोकस जब भी कहीं पे भी कोई भी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलती है। मार्केट अगर इंडेक्स केवल चल रहा है उसके बेसिस पे अगर आप बढ़े हुए मार्केट में कोई भी चीज ले रहे हैं वो चीज रिलायबल नहीं होगी, क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड की बात करें तो आपको नीचे पे बाय करना है। लाइक नीचे आप देखिएगा बाय करिए, अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट करिए, फंडामेंटल स्टॉक होगा और जैसे ही रिएक्शन आए तो आप आराम से 6-7% प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तो आपको सबसे पहले देखिएगा एनर्जी सेक्टर, इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऑटो इंडस्ट्री, आपको पता है आने वाले समय में बहुत बढ़िया बाउंस बैक देखने को मिलेगा। बहुत सारे देखिएगा स्पेस हैं जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहां पर देखिएगा यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड का अगर ये आ जाता है 1.650 के आसपास तो ये बिल्कुल खतरे की घंटी है, और अगर ये चला जाता है 1.6 के नीचे तो देखिएगा न्यूट्रल सेंटिमेंट रहेंगे, मार्केट यहीं पे सस्टेन करेगा। तो कल इसको क्लोजली वॉच करना है। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको देखना है ब्रेंट क्रूड ऑयल। अगर आप देखेंगे क्रूड ऑयल 83 देखिएगा $83 पर बैरल हो चुका है। अगर आप देखेंगे पर बैरल देखने को मिल रहा है, ये कहीं से भी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए नहीं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को बढ़ा रहा है। एविएशन हो गया आपका, अगर आप बात करेंगे मरीन हो गए, अगर आप बात करेंगे इंडियन डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन है, वो उस कॉस्ट को बढ़ाएगा जो ग्राउंड लेवल के इन्फ्लेशन को इंक्रीज करेंगे। तो वो चीज़ कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है, सब कुछ माहौल पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, बट फेस्टिव सीजन जैसे एंड होगा तो उन सब चीजों का रिफ्लेक्शन भी देखने मिलता है, वोलेटिलिटी भी देखने मिलती है। तो इसलिए आपको देखिएगा जो इंडिकेशन आप बिल्कुल कोरिलेट कर रहे हैं कि लाइक बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है जो कि एक परमानेंट इनकम का सोर्स है, सेकेंड चीज आप ब्रेंट को भी देख रहे हैं वो भी देखिएगा एक कॉन्टिन्यूसली 68 से 83 आ चुका है, तो वो चीजें इन्फ्लेशन कंसर्न को कहीं ना कहीं जन्म दे रही हैं, चाहे ग्लोबल इकोनॉमी की बात करी जाए चाहे डोमेस्टिक इकोनॉमी की बात करी जाए। तो इन सारे सेंटिमेंट पे कंटिन्यू फोकस करना है। इसके अलावा चाइना की हरकतें कि चाइना कहां पे बिहेव कर रहा है, तो अगर आप देखेंगे यहां पे हाईएस्ट देखिएगा डॉलर हिट हाईएस्ट आप देख सकते हैं 3 साल के हाईएस्ट पे देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे बहुत सारे देखिएगा फेड के मिनट के बाद भी देखिएगा कई सारे स्टेटमेंट आएंगे, उसके भी कई सारे क्लैरिफिकेशन आएंगे, और यहाँ पे देखिएगा बार बार वही कही जा रही है, बात कही जा रही है कि जॉब का डेटा कैसा है, इन्फ्लेशन का डेटा कैसा है, कंसर्न ज्यादा है, हर तरीके से ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे आपको फोकस रखना है मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अभी तक देखिएगा डाउ फ्यूचर जब तक 7 बजे था तब तक डाउ फ्यूचर्स डाउन देखने को मिल रहे थे, काफी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग थी, और उसके बाद देखिएगा जो प्रॉफिट बुकिंग थी 100-150 पॉइंट्स की वो देखिएगा अब यहाँ पे चेंज हो चुकी है, डाउ जोन्स खुल चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि आज एंड कैसा होता है, यूएस मार्केट का एंड कैसा होता है, यानी कि कहाँ पे क्लोजिंग होती है, फ्लैट क्लोजिंग होती है कि नॉर्मल यहीं पे क्लोजिंग होती है, या फिर आपको देखने को मिलेगी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, तो उसके हिसाब से ही कल का व्यू बनाना है। तो कल के लिए आपको बहुत बढ़िया वोलेटिलिटी तो देखने को मिलेगी, ये तो श्योर है। तो कल आपको फोकस कहाँ करना है, निफ्टी को वॉच करना है, बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, फिर बता रहा हूँ निफ्टी को वॉच करना है, बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। काफी अच्छी मजबूती के साथ बैंक निफ्टी बंद हुआ है, तो आपको काफी अच्छे पॉइंट मिल जाएंगे। सबसे पहले निफ्टी के पॉइंट तो देखिएगा यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके चलेंगे 18040, यानी कि जो आज का हाई है, नीचे की तरफ देखिएगा अभी सपोर्ट बन रहा है आपका सीधा सीधा 17840, जहां पे आज सपोर्ट लिया है मार्केट ने, क्या लिया, आज सपोर्ट लिया है, अगर इसके नीचे जाता है तो 17740। तो इस रेजिस्टेंस के साथ हम 2 सपोर्ट कल लेके चलेंगे मार्केट के लिए, जिसपे आपको क्लियरली फोकस करना है, इसके ऊपर अगर जाता है well and good, एक momentum रहेगा वहां, तो आपको जो भी स्टॉक होंगे आपके पास वो आपको प्रॉफिट देते हुए देखने को मिलेंगे। अब निफ्टी में अगर कंटिन्यू तेजी देखने को मिलती है कल,
फ्लैट के बाद अगर मान लीजिए फ्लैट होके ऊपर जाने की कोशिश करता है तो सीधा सीधा आपको निफ्टी बैंक पे फोकस करना है और सीधा रेजिस्टेंस बनेगा 38620 का, सीधा सीधा पहला रेजिस्टेंस ही लेके चलेंगे। और अगर हल्की फुल्की कहीं प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो पिवट पॉइंट पे ये देखिएगा 38180 38000 का पहला आप लेंगे स्टॉप लॉस, यानी कि पहला सपोर्ट यहीं बनेगा 38000 के आसपास ही का सपोर्ट बनेगा। इसी रेंज को देखेंगे, रेंज जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप देखेंगे। अभी तक बेस बन गया है 37840 का, इन पे फोकस करेंगे और कल निफ्टी को वॉच करने के अकॉर्डिंग ही आपको अपने ट्रेंड को फोकस करना है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।